वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेके आया हूँ ऑफिसर यूनियन की मीटिंग जो 25 जून को हुई है। और ऑफिसर यूनियन, चार ऑफिसर यूनियन ने मीटिंग करी है, जिसमें AIBOC, AIBOA, INBO और नोबो, चार ही ऑफिसर यूनियन मेन यूनियंस जो हैं इकट्ठे हुई हैं और 25 जून को इन्होंने मीटिंग करी है रिगार्डिंग फुल मैंडेट। और इन्होंने ये भी IBA को लेटर लिखा है और IBA से रिक्वेस्ट भी करी है कि 1979 से हम जो वेज रिवीजन होती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन एक्ट जो बना है उसमें सारे ही ऑफिसर्स कवर्ड हैं, चाहे वो Scale 1 है चाहे वो Scale 7 है। तो इसलिए वेज रिवीजन के पर्पज़ से, स्पेसिफिक पर्पज़ से उनको दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने IBA को फ्रैक्चर्ड मैंडेट ख़त्म करने की और फुल मैंडेट की बात करी है। और उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराया है कि हम वेज नेगोशिएशन में तभी आएंगे जब Scale 7 तक बात होगी, क्योंकि ये हमारा राइट है और 1979 से ये हमारा अधिकार बना हुआ है। सारे ऑफिसर इकट्ठे हैं, ऑफिसर्स को दो हिस्सों में मत बांटो। और इसलिए ऑफिसर, चारों ऑफिसर यूनियन की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग ने IBO को लेटर लिखा है और IBO को उन्होंने 2 जुलाई तक, 2 जुलाई का टाइम दिया है। आज 3 जुलाई हो चुकी है और लेटर हमारे को लेट मिला है। आज हम वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि लेटर पहुंचते उसकी कंफर्मेशन करते तो आज आपको मैं वीडियो में लेटर दिखा रहा हूँ। चारों ऑफिसर यूनियन के जनरल सेक्रेटरीज के साइन हैं और लेटर आप देख सकते हैं 25 जून का है। और उम्मीद है कि IBA इस रिक्वेस्ट को मान जाए क्योंकि एडिमेंट एटीट्यूड दिखाया है ऑफिसर यूनियन ने भी, और AIBA के क्लरिकल यूनियन के जाने के बाद भी उन्होंने बाइकॉट रखा है और IBA ये देख रही है कि वेज रिवीजन बहुत लिंगर ऑन हो चुका है, बहुत ज़्यादा लटक चुका है। अगर ऑफिसर यूनियन इस तरह बाइकॉट करती रही तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकालना पड़ेगा और रिज़ल्ट भी टेढ़ा होगा और फिर वेज रिवीजन इनवैलिड हो सकती है। तो इसलिए IBA भी सोच में है कि इनका जो मैंडेट का इशू है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके इनको वेज नेगोशिएशन टेबल पर कॉल किया जाए और वेज नेगोशिएशन को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जाए। तो 2 जुलाई का जो रिप्लाई आना था IBA का अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा है और जो ही पहुँचता है अपडेट आएगा यूनियन की तरफ से, IBA की तरफ से, क्लरिकल यूनियन की तरफ से, UFBU की तरफ से, तो मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। तो मुझे आशा है इतनी सी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करो ताकि सभी बैंकर्स के पास ये मैसेज पहुँच जाए। ऑफिसर यूनियन का, ये चारों ऑफिसर यूनियन का ये मैसेज सभी बैंकर के पास पहुँचना चाहिए और मुझे आशा है कि सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर दबाएँगे। थैंक यू वेरी मच।